वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई यू वीर वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्त? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा रहने वाला है। अच्छे से आप लोगों को इसको एंजॉय करना है तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को एक्स्ट्रा बताई जाएगी। तो जो भी आप लोगों को लगे कि ये चीज आप लोगों को नहीं पता है तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, और इसी के साथ में जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर जोड़ देना। इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और जो चीज एक बार आप लोग लिख कर देख लेते हो वो चीज लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाते हो। तो काफी डिटेल में डिस्कशन होगा, एक एक टॉपिक जो है वो आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि यार इस टॉपिक में तो डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, उसको आगे आने वाले टाइम में कवर कर लिया जाएगा। और इसी के साथ में अगर देखने के बाद में लेक्चर आप लोगों को लगे कि यार इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, वहां पर सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर भी मैंने यहां पर डाल दिए थे। जैसे आप लोगों को पता होगा मैंने रेजिडुअरी पावर के बारे में पूछा था तो ये कनाडा से ली गई थी। कार्बन क्रेडिटिंग के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी तो क्योटो प्रोटोकॉल साइन की गई थी यहां पर 1997 में जापान के अंदर। तो यहां पर इससे कार्बन जो क्रेडिट है ये टर्म निकल कर आई थी, ठीक है। इसी के साथ में द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया जो स्टार्ट हुआ था 1960s में स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें यहां पर तो एक तरीके से यहां पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो कि एक तरीके से यहां पर इंटरनेशनल दिनार एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ ये फाइव ईयर प्लान के अंदर देखने को मिला था 1969 से लेके जो यहां पर बेसिकली 74 तक का, ठीक है। इसी के साथ में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में आप लोगों से बात की थी तो ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर ब्लैक सी के बारे में बात की थी तो यूक्रेन रसिया जॉर्जिया रोमानिया तुर्की बुल्गेरिया ये इसको टच करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड जो था यहां पर ये इसराइल के द्वारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में साइन किया गया था रिलेशन को नॉर्मल बनाने के लिए 2020 में। एयू केयूएस के बारे में आप लोगों से पूछा था तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया यूएसए और यूके ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं तीनों कंट्री साथ में पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। री यूनियन आइलैंड के बारे में बात की थी तो फ्रांस का आइलैंड है। इसी के साथ में ऑपरेशन जो स्माइल, ठीक है, या फिर ऑपरेशन मुस्कान जो है ये इनिशिएटिव था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, जिसमें बच्चों को रेस्क्यू किया जाता था यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। बाकी बहुत कुछ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलता है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर काफी सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल जाएंगे। इवन आंसर राइटिंग में अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर आप लोगों का एथिक्स का क्वेश्चन भी पोस्ट किया था तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। और दो क्वेश्चन पूछे थे इनका भी आंसर देना है, और जो आंसर दे रहे हैं ऑलरेडी उनका आंसर भी आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई भी पैसा आप लोगों को यहाँ पर पे नहीं करना है इनके लिए, तो अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो आंसर मैंने बताया तो इसी तरीके से क्वेश्चन आज पूछूंगा उनके आंसर भी आप लोगों को देने हैं और फिर उनको मैच कर लेना है, ओके। तो बात की जा रही है तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप लोगों को सफलता नहीं मिल जाए, यानी कि आप लोग सफल नहीं हो जाते। देखिए नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे इंसान ऐसे रहते हैं लगभग 90% से ऊपर आप लोग बोल सकते हैं जो किसी काम को स्टार्ट तो करते हैं पर लेकिन उसके बाद में छोड़कर फिर कहीं और लग जाते हैं या फिर अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन तय उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आप लोग भी उस कैटेगरी में आते हैं तो अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि लाइफ में दिक्कत आना लाजमी है। जब भी आप लोग चलना स्टार्ट करेंगे, बच्चा देखा होगा ना बचपन में चलना स्टार्ट करता है गिर जाता है फिर उठता है फिर चलता है फिर गिर जाता है, पर लेकिन तब तक चलना नहीं सीखता है जब तक वो गिरता रहता है पर तब तक वो एक तरह चलना नहीं सीखता है तब तक वो हमेशा लगा ही रहता है। साइकिल चलानी सीखोगी बचपन में तो काम भी अगर कोई स्टार्ट कर दिया तो उसको छोड़ना नहीं है जब तक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा लाइफ में याद रखिए। काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पर लेकिन क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ओवरव्यू ले लेंगे तो टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर को देखना है। तो यहां पर क्या क्या क्वेश्चन है एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या एक तरीके से टॉपिक्स हैं जो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। इंडियन रेलवे के बारे में कई सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। यहां पर आप लोगों को ये बताना है कि अगर बात करें यहां पर हमारी रेलवे के द्वारा बोला गया नेट जीरो के ऊपर काम किया जाएगा, इनके जितना एमिशन किया जा रहा है उतना ही कंजप्शन किया जाएगा, तो ये कब तक का टारगेट है इंडियन रेलवे का। अगर बात करें कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, यानी कि जो भी सारी लाइन है ना रेलवे की हमारे देश में उनको सबको इलेक्ट्रिसिटी से चलाने की बात की जा रही है, तो ये टारगेट कब तक का है इसके द्वारा इंडिया के द्वारा। यहां पर अगर बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है CO2 का हमारा देश, कौन सी कंट्री हमसे ऊपर है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा ऐसा देश है पूरी एक दुनिया में जो कि कार्बन नेगेटिव पे चलता है, यानी कि एक तरीके से वो इतना भी कार्बन एमिट नहीं करता, एक तरीके से उससे जाता है वो एब्जॉर्ब करता है, इतने सारे पेड़ पौधे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, तो ये कार्बन नेगेटिव में रहता है। तो ये एक देश कौन सा है और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये हमारे आसपास में ये देश, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है आप लोगों को ये बताना है।
काफी इंपॉर्टेंट है। नामधप्पा नेशनल पार्क जो है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है। तो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर आप लोगों को चार राज्य देखने को मिलेंगे। तो कौन से राज्य में है नामधप्पा नेशनल पार्क? तो चारों राज्य में से कोई भी राज्य एक होगा, इतना बता देता हूं। नामधप्पा जो है यहां पर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक रिवर है जो कि यहां पर निकल कर आती है। ये है बेसिकली नोआ दियांग रिवर। तो ये नोआ दियांग रिवर जो है यहां पर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में एक यहां पर पर्टिकुलर एक ऐसा नेशनल पार्क भी है देश के अंदर में जहां पर लेपर्ड, यानी कि जो लेपर्ड होते हैं ना, जैसे कि आप लोग बोले टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, तो जो बिग कैट होती है इसकी चारों की चारों स्पीसीज पाई जाती है। और ये एक अकेला लौता नेशनल पार्क है दुनिया में जहां पर ये चारों स्पीसीज एक जगह पाई जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये आप लोगों को हीराकुंड डैम पर देखने को मिलेगी। तो जब हीराकुंड डैम पर है तो ये डैम कौन से राज्य में है और ये कौन सी रिवर के ऊपर है ये भी बता दो। अभी रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है G20 की मीटिंग में गए थे, उनके द्वारा यहां पर एक पर्टिकुलर ऐसा एग्रीमेंट था जिसको साइन करने से मना कर दिया था, उसका नाम है ट्रैक। ट्रैक से पहले एक शब्द है, ये आप लोग कंप्लीट करना है। इसका बेसिक पर्पज ये था कि जो हमारे देश में से डिजिटल डेटा का फ्लो होता है तो उसको रोकने की बात की जा रही थी, ताकि बाहर हमारा डिजिटल डेटा ना जाए और उसको हमारी ही कंट्री में रिस्टोर करके रखा जाए। तो ये इसका पर्पज था। तो ये बेसिकली इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के नाम पर सिटी का नाम है, बेसिकली डिस्कस करूंगा डिटेल में तो कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा, बहुत शानदार और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से यहां पर इसको एक तरीके से टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वो है इंडियन रेलवे के बारे में। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, हिस्ट्री थोड़ी सी आप लोगों की कवर हो जाएगी। हमारी कंट्री में सबसे पहले जो रेलवे है वो यहां पर कौन सा ऐसा हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है, क्योंकि ये 1857 की क्रांति से पहले है तो इसलिए वॉइसराय नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल बोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में किन दो एरिया के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था रेलवे को, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, हमारी कंट्री में आज के डेट में रेलवे बजट को अलग प्रस्तुत नहीं करते हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली उसको बजट के साथ में मिक्स कर दिया गया। तो कौन से ईयर से यहां पर रेलवे का जो बजट है हम लोग बेसिकली मिक्स कर दिया हम लोगों ने नॉर्मल बजट के साथ में, ये आप लोगों को बताना है। आखिर अंग्रेज रेलवे का बजट अलग क्यों प्रस्तुत करते थे? क्योंकि अंग्रेज ना हमारे देश में कोई डेवलपमेंट करने नहीं आए थे, वो यहां से रॉ मटेरियल निकालने के लिए आए थे। तो रॉ मटेरियल निकालने के लिए उनको रेलवे की जरूरत थी। तो नॉर्मली क्या था, जैसे मान लीजिए कहीं पर आयरन ओर निकल रहा है, कहीं पर कोई वो एक तरीके से एक कुछ और सामान निकल रहा है जो कि एक रॉ मटेरियल होता है, कोयला निकाल लिया, तो फिर उसको कोस्टल एरिया तक लेकर आते थे। तो कोस्टल एरिया तक लेकर आया, फिर वहां से जहाजों में भरा, तो फिर वे क्या चले गए, यहां से निकाला इसको और निकालने के बाद में अपने देश में लेकर चले गए, ठीक है। तो ये इनका काम बेसिकली यहां पर रहता था। तो इसलिए यहां पर हमारे देश में डेवलपमेंट करने नहीं आए थे, तो इसलिए रेलवे के ऊपर खूब इन्वेस्टमेंट किया। तो रेल का बजट इतना था यहां पर कि नॉर्मल बजट से ज्यादा था, ठीक है, जो आज के डेट में हमारा नॉर्मल बजट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये रेलवे को अलग से प्रस्तुत करते थे, पर लेकिन हम लोग अब भी अलग से प्रस्तुत कर रहे थे तो हम लोगों ने इसको बंद कर दिया अभी प्रस्तुत करना। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी इंडियन रेलवे के द्वारा ये बोला गया, जैसे आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है, तो उसके चक्कर में जो भी आज के डेट में इस तरीके के जो नेटवर्क है वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर नेट जीरो की बात कर रहे हैं। नेट जीरो मतलब जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं उतना ही ज्यादा ये सब्ज्यूम करेंगे, यानी कि उसको खत्म करेंगे। इनके जितना पेड़ लगाए जा रहे हैं उतने ही पेड़, जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने ही पेड़ लगाओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको एक तरीके से नॉर्मल कर दे रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने पता चला आज आप लोगों ने काफी कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ठीक है, ब्रेड पकौड़े खा लिया, फिर कुछ और खा लिया, अब आप लोगों को उतनी एक्सरसाइज भी करनी है ताकि इसको आप लोग बर्न कर दें, ताकि आप लोग फिट आप लोग मेंटेन रख सकें, ऐसे बोल सकते हैं। तो इंडियन रेलवे के द्वारा बोला गया 2030 तक का यहां पर जो भी नेट जीरो ये बेसिकली एमिशन करने वाले हैं, तो ये काफी अच्छा टारगेट आप लोग बोल सकते हैं। इंडियन रेलवे जो है अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो बोला जा रहा है कि गो ग्रीन एंड डीकार्बोनाइज, यानी कि ग्रीन एक तरीके से मैटर पर फोकस कर रहे हैं और इसके चलते यहां पर ये और भी कई सारे काम करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे जो है हमारी कंट्री में वर्ल्ड में चौथे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया। तो सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क जो है यहां पर यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बेसिक चीजें भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। इंडियन रेलवे जो है अगर बात करें उसके द्वारा 2030 तक का बोला है कि अपने आप को बेसिकली नेट जीरो कर देगा। तो यूएसए का नेटवर्क सबसे बड़ा है, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर यूएसए में रेल का नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहां पर जो जनता है वो काफी चीजों को
एंजॉय कर पाती है क्योंकि काफी सस्ता होता है यहाँ पर ट्रेवल करना, जो उनकी लोकल जनता के हिसाब से बात करें। चाइना के अंदर लगभग आप लोगों को यहाँ पर 1,00,000 किलोमीटर का नेटवर्क देखने को मिलेगा, रशिया के अंदर लगभग 85,000 किलोमीटर का नेटवर्क देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर लगभग यहाँ पर 68,000। ये अभी लेटेस्ट डेटा है जो इंडिया वाला है, ठीक है, बाकी के ऊपर नीचे थोड़ा हो सकते हैं, पर लेकिन इंडिया वाला मैंने अलग से सर्च किया है और इसको लेटेस्ट डेटा आप लोगों के सामने रखा है। इनमें हो सकता है 2,000-4,000 ऊपर नीचे हो जाए, पर लेकिन इंडिया वाला अभी यहाँ पर लेटेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लगभग 67,943 कुछ ऐसे समथिंग था, ठीक है, तो मैंने लगभग 68 लिख दिया, तो हो सकता है अभी मतलब चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो लगभग 68 है पूरा यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। बाकी ऊपर नीचे भी ऐसा नहीं है, एक दो मतलब 1,000 किलोमीटर अगर ऊपर नीचे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है दूसरे वाले, उधर से 85 पर इधर 48 पर है, तो फिर भी हम लोग चौथे नंबर पर ही रहने वाले हैं, ठीक है। हमारी कंट्री के बारे में बात करें तो इसके बाद में फिर कनाडा, कनाडा के बाद में जर्मनी और जर्मनी के बाद में ऑस्ट्रेलिया, तो टॉप 7 कंट्री मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी जहां रेलवे नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री में वर्ल्ड में दूसरे नंबर, चौथे नंबर पर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो अगर रेलवे को हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो कितना अच्छा यहां पर रहेगा। तो जो इंडिया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसका लगभग 12% जो है वो बोला जा रहा है कि आज की डेट में ग्रीन हाउस गैस का मिशन होता है, यानी कि अगर हमारी कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप लोग सारे सेक्टर आ जाते हैं, रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, इस तरीके से जो जो भी सामान ले जाने का काम करते हैं, तो वो 12% ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं। इसमें से अकेला रेलवे जो है वो 4% करता है, तो सोचो अगर 4% भी घटाएं तो काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडियन रेलवे के द्वारा ऑफिशियल टारगेट रखा गया कि 50% आने वाले टाइम में 2030 तक का ये बेसिकली जो फ्राइट शेयर अपना बेसिकली वाहन करेंगे, यानी कि करंट में जो हम लोग सारा सामान ले जाते हैं उसका 33% सामान हम लोग रेलवे से ले जाते हैं। इनके द्वारा बोला गया आने वाले टाइम में लगभग 50% सामान जो है हमको रेलवे से लेकर जाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, और कार्बन एमिशन में कटौती करते हुए हम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो इससे क्या रहेगा, हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो ट्रैक है, और आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना भी है कि इंडिया जो है वो रिड्यूस कर रहा है लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में जो खर्चा आता है उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी कंट्री में लगभग ये 14% है, ठीक है, तो यहां पर इसको कम करने की बात की जा रही है, और बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है, ठीक है, तो यहां पर ये इसको कम किया जाएगा 70% लगभग 2050 तक का। तो यहां पर इसको भी घटाने की बात की जा रही है, लगभग 10% देखो उससे नीचे हम लोग फिर लेकर आएंगे। इसी के चलते यहां पर भी इसको कम करने की बात की जा रही है। तो काफी सारे एरिया में इंडियन रेलवे जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और भी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन रेलवे के द्वारा बोला गया अभी फ्राइट जो है अभी यहां पर लगभग 35% हमारा सामान जो है 2015 में, 45% बोला गया 2030 में, और भी इसको बढ़ाएंगे तो इससे रिड्यूस करेंगे ओवरऑल एमिशन, यानी कि जो एमिशन होता है। कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है, इनके सारे जो भी ट्रैक है कोयले से न चलकर, गदर मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने, गदर एक प्रेम कथा, उसमें क्या होता है वो कोयले से चलती है गाड़ियां, तो काफी लार्ज स्केल पर आज भी गाड़ियां कोयले से चलती है, तो उसको हटाकर अभी बात की जा रही है सारी इलेक्ट्रिफिकेशन में हो जाएंगे, इनके सारी बिजली से चलेंगी। तो 2024 तक का यहां पर ये टारगेट है, तो उससे फायदा होगा क्योंकि कोयले से ज्यादा आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस निकलती हुई नजर आती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके चलते अगर बात करें तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, नहीं इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन से चलने वाला नेटवर्क अभी किसी भी देश में नहीं है, तो इट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेल नेटवर्क, तो ये इंपोर्टेंट बात होगी यहां पर। अगर बात करें प्लान की जाती है, रेलवे और भी कई सारे काम करता है, जैसे 20 GW सोलर पैनल लगा इसके द्वारा, 1.7 MW सोलर पैनल प्लांट इसके द्वारा ये बीना मध्य प्रदेश में लगाया गया जुलाई 2020 में, फर्स्ट सोलर एनर्जी प्लांट ये वर्ल्ड में, डायरेक्टली जो पावर होता है रेलवे से ओवरहेड अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसी के साथ में 2.5 सोलर जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये है बेसिकली दीवान हरियाणा के अंदर में, ठीक है, दीवान आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहाँ पर 50 MW की बात की जा रही है, 16 kW ये रटने नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ये बेसिकली अगर रेलवे के अचीवमेंट के बारे में बात करें सोलर एनर्जी के फील्ड में तो वहां पर आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली 16 kW का यहाँ पर सारा अपना काम इससे सोलर एनर्जी से निकालता है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो रेलवे के द्वारा बोला जा रहा है कि लगभग 960 रेलवे स्टेशन जो उनके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए, जिससे वो अपनी पूर्ति पूरी कर लेते हैं यहां से। तो इसका मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस यहां पर दिया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या रहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप लोगों से मैं कोई सामान लेता हूं, ठीक है,
तो मैं आप लोगों से कोई सामान परचेज करता हूँ, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, अपने घर पर कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और वो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों से खरीदा, पर लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि मैं जो है आप लोगों को पैसे पे नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि यार लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो तो फिर हम आपको सामान देंगे। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि बैंक गारंटी लेगा मेरे पैसे की कि वो आप लोगों को पैसा दे देगा, या फिर आप लोग बोलो कोई और इंसान आके गारंटी ले ले, अगर नॉर्मल भाषा में बोले कि कोई इंसान और गारंटी ले ले कि आप लोग इसको सामान दे दीजिए पर्टिकुलर पर्सन को, और आप लोगों को यहाँ पर जो भी पैसा है वो मिल जाएगा जिस दिन आप लोगों का जो बेसिकली सामान को बेचने की डेट होगी उसी दिन आप लोगों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि वो पर्सन जो कि आप लोगों से प्रोडक्ट खरीद रहा है, भले ही वो पर्सन आप लोगों को पैसा देने में कैपेबल ना हो, पर लेकिन आप लोगों का पैसा आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से जो इंश्योरेंस देना उस पर्टिकुलर पर्सन को जो प्रोडक्ट अपना बेच रहा है कि उसका माल अगर जा रहा है तो उसको पैसा मिल जाएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है, अगर कोई भी आकर इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं सोलर वाले फील्ड में, तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अच्छे से आकर इन्वेस्टमेंट अब कर सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जरा सी देर में, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। बाकी ग्लोबल सिनेरियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो जून 2020 में यहाँ पर जो 20 कंट्रीज हैं रीजन में, उनके द्वारा बोला गया कि नेट जीरो टारगेट रखेंगे। भूटान एक ऐसा दुनिया में देश है जहां पर कार्बन नेगेटिव चल रहे हैं आज की डेट में भी। यह माना जाता है कि भूटान की टोटल जो यहां पर अर्निंग है वो इतनी है, लगभग अगर बात करें तो अनिल अंबानी भी अकेला भूटान से ज्यादा पैसे रखता है, ठीक है, मतलब अंबानी परिवार अगर बात करें, ठीक है। तो एब्जॉर्ब किया जाए यहां पर CO2 कार्बन डाई एमिशन यहां पर इतना ज्यादा है कि इतना तो ये प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, तो नेगेटिव एमिशन चलता है इनका। तो ऐसी कंट्री भी झेलती है जब यहां पर अगर कोई दिक्कत होती है, यानी कि जब यहां पर अगर बात करें ना, एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये पृथ्वी का पार्टी, तो इनको भी दिक्कत होती है फिर, ठीक है। तो इंडिया का पर कैपिटल जो एमिशन है ये बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का 1.8 टन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्सन 2015 में, तो ये बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर बात करें अराउंड 9th है हम लोग वर्ल्ड में, तो यूएसए का आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यूएसए है, और अराउंड 3rd जो ग्लोबल एवरेज है 4.8 पर पर्सन, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री में ओवरऑल हम लोग ज्यादा एमिट कर रहे हैं वो अलग बात है, पर लेकिन पर पर्सन के हिसाब से अगर आप लोग उस एमिशन को निकालोगे कि जितने लोग हैं देश के अंदर में, उसके हिसाब से हमारा एमिशन काफी कम है। इंडिया अगर बात करें यहां पर 3rd लार्जेस्ट एमिटर है चाइना और यूएसए के बीच में ओवरऑल में, पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पर पर्सन के हिसाब से हम लोग 9th नंबर पर आज के डेट में भी, यानी कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे मान लीजिए एक देश है वो बोले मैंने अपने देश में सबको टीका लगा दिया, भाई साहब लगा दिया होगा, पॉपुलेशन बताइए कितनी है यार, मेरे देश में ना 1,00,000 लोग रहते हैं, 1,00,000 लोग, 1,00,000 तो हमारे एक मोहल्ले में मिल जाते हैं, हम लोग कैसे करें भैया, तो हम लोग तैयार नहीं लगा पा रहे हमने सब सारे लोगों को टीका, तो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो हमको ज्यादा काम करेंगे हम लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो उस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सेक्टर जो है कई बार जैसे कि एनर्जी हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बिल्डिंग बनाने वाला काम हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं काफी लार्ज स्केल पर एमिट करते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में से आप लोगों को एमिशन यहां पर निकलता हुआ नजर आएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही टॉपिक के अंदर चहुमुखी विकास मैंने आप लोगों का करा दिया। यहाँ पर रेलवे के बारे में बात कर ली, एमिशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, यहाँ पर कौन कौन सा रेलवे का नेटवर्क है उसके बारे में बात कर ली, क्या क्या हमारी कंट्री में फ्राइट वाला क्या चक्कर है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये भी एक टॉपिक अलग से बन जाता है आप लोगों का, छोटा सा कई बार स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे देंगे बोलेंगे बताइए क्या है, और इसी के साथ में कौन कौन सी क्या क्या चीजें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा यहाँ पर, कि कार्बन क्रेडिटिंग के बारे में नेगेटिव में कौन सा चल रहा है, हमारी कंट्री के क्या क्या टारगेट है, तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया थे, ठीक है। तो पूरा अच्छे से कवर कर लिया, अब कोई कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस तरीके के आप लोगों के बेसिकली जो क्वेश्चन बन जाते हैं ये कई बार आप लोगों के जो नहीं बायोलॉजी वाला सेक्शन होता है तो वहां पर आप लोगों से पूछ लेता है कि जैसे आप लोगों से पूछ लेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में अभी आप लोगों से मैं बात करूंगा। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जिनके ऊपर। अभी बात करें यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला है कि जो हॉर्नबिल होता है ना, हॉर्नबिल जो पक्षी है, अभी इसके बारे में आप लोगों को बात करूंगा, दिखाऊंगा भी कई तरीके की प्रजातियां इंडिया के अंदर पाई जाती है, तो ये जो हॉर्नबिल पक्षी है और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जो फ्रूटिंग प्लांट्स है यानी कि फल देने वाले जो पेड़ पौधे, तो वो एक दूसरे के साथ में एक रिलेशनशिप में रहते हैं और इस रिलेशनशिप को यहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला गया, ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। और ये स्टडी की गई है नामथप्पा नेशनल टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है नामथप्पा जो पर्टिकुलर एरिया है इसके बारे में, क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल एरिया के साथ में ये बाउंड्री टच करता है, तो समझेंगे। अभी बोला गया स्टडी के द्वारा ये बोला गया कि जो हॉर्नबिल है अगर बात करें
वो एक तरीके से आर द गार्डनर, और आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के फार्मर भी इनको बोला जाता है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर अगर हॉर्नबिल के बारे में बात करें तो ये बेसिकली उन एरिया में आप लोग को देखने को मिलेंगे, माले हॉर्नबिल है ठीक है, तो जिन एरिया में यहाँ पर ये रहते हैं वहां पर और लार्ज स्केल पर ये उसको प्रोडक्टिव बनाने का काम करते हैं। तो हॉर्नबिल जो है यहाँ पर एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जहां पर ये कैनोपी ट्री होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक खूबसूरत ये जंगल भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। आप लोग ये सोचिए, कई बार इस तरह की चीजें आप लोगों ने सुनी होगी कि जैसे कि आप लोग ये दीवारें हैं ठीक है, दीवारों में दीवार में कहीं दरार आ रखी है, वहां से पेड़ निकल गया, तो कैसे करते हैं ये, कैसे होते हैं पेड़, कैसे निकलते हैं? तो ये जो पशु जो है, पशु नहीं बेसिकली पक्षी, पशु कहां चढ़ेंगे दीवार के ऊपर, तो पक्षी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने कुछ फल खाया, फ्रूट खाया ठीक है, तो वहां पर जाकर उन्होंने किसी की दीवार के ऊपर पोटी कर दी ठीक है। तो वहां पर अगर जैसे कि वहां पर जरा सी मिट्टी होगी, ऐसा माहौल मिलेगा उसको, तो उसमें कुछ बीज अगर होंगे किसी पर्टिकुलर पेड़ के, तो वहां पर वो पेड़ निकल के खड़ा हो जाता है दीवार के पास से ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कई सारे फायदे भी होते हैं इन सब चीजों के, कि हाँ एक तरीके से ये यहाँ पर एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो कई सारे पेड़ पौधे इस तरीके से जंगलों में उग जाते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ने खाया, मलिक से जानवर ने कोई फ्रूट खाया, कहीं और जाकर उसने पोटी की ठीक है, तो वहां पर फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो स्टडी है यहाँ पर ये शो करती है कि फॉरेस्ट जो अगर आप लोग जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर बात की जा रही है कैंड्रियम, ये एक पर्टिकुलर पेड़ है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी बड़ा यहाँ पर इस तरीके से। तो इसके आसपास में हॉर्नबिल जो है वो काफी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं, तो ये एक तरीके से ये एक काफी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन का सोर्स भी रहता है। तो हॉर्नबिल जो है, अगर यहां पर ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो यहां पर ये पाए जाते हैं वो अगर डिसअपीयर होने लगते हैं, तो ये समझिए हॉर्नबिल भी उस एरिया में खत्म होने लगेंगे। तो ये स्पीसीज यहां पर रहती है, एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। अब थोड़ा समझिए, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला बोलते हैं यहां पर बेसिकली एक तरीके से इसको बोलते हैं यहां पर कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक स्पीसीज तो बेनिफिट हो रही है ठीक है, पर लेकिन दूसरी जो है वो है देख से अनहार्म, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो एक साथ में रह रहे हैं ठीक है, तो पहले वाली स्पीसीज को फायदा हो रहा है, पर लेकिन दूसरे वाली को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है और फायदा भी नहीं हो रहा है ठीक है। म्यूचुअलिज्म के बारे में क्या बात होती है, ये ऐसे होता है जिससे दोनों को फायदा होता है ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए आप लोग किसी ने कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने खरीदा, वो प्रोडक्ट आप लोग लेकर आए, तो उससे आप लोगों को फायदा हो गया कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीद लिया ठीक है। उसी के साथ में जिससे आप लोगों ने खरीदा उसको फायदा हो गया, तो दोनों को फायदा हो गया, उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म का फायदा होता है। एक होता है पैरासाइटिज्म ठीक है, तो वन स्पीसीज बेनिफिट और दूसरी को यहां पर हार्म होता है और हार्म क्या, मर भी जाती है। जैसे मान लीजिए मच्छर है, तो मच्छर काटते हैं तो मच्छर एक तरीके से उनको फायदा होता है, पर लेकिन जिस इंसान को काटते हैं पता चला उसको मलेरिया हो गया, डेंगू की बीमारी हो गई, वो इंसान मर गया ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले वाले में कोई नुकसान नहीं होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग बोलते हैं ना इंसान बनकर रहना चाहिए, कि किसी भी इंसान की आप लोग हेल्प कर दो, अगर आप लोगों को नुकसान ना हो तो हेल्प कर देनी चाहिए ठीक है, तो वो वाली बात है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, पर लेकिन यहां पर ऐसा है कि आप लोगों का नुकसान हो जाएगा अगर इस तरीके की कंडीशन में बढ़ोगे, तो इसमें यहां पर दोनों का फायदा होता है। तो तीन कैटेगरी में इसको बेसिकली डिवाइड यहां पर किया जाता है। तो ये कई सारे रिलेशनशिप जो आप लोगों ने बायोलॉजी की एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, ये सारे काफी डिटेल में वहां पर समझाए हुए हैं ठीक है। अब थोड़ा सा बातें करते हैं इंडिया के बारे में। हमारी कंट्री में हॉर्नबिल के बारे में बात की जा रही है, तो हमारी कंट्री में ट्रॉपिकल रीजन में यहां पर एशिया और अफ्रीका के पास में पाए जाते हैं। तो यहां पर एक फैमिली है जिसको बोलते हैं यहां पर ब्यूसेरोडिडेट ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक टर्म है जो बेसिकली आप लोग हल्का सा आइडिया रख लीजिएगा, इससे रटना तो नहीं है। तो टोटल 9 स्पीसीज हमारे देश में हॉर्नबिल की पाई जाती है। तो 9 स्पीसीज के बारे में अगर बात करें तो इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल बोलते हैं ठीक है। मालाबार पाइड हॉर्नबिल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात की जा रही है रूफस नेक्ड हॉर्नबिल हो गया ठीक है, ऑस्टिन ब्राउन हॉर्नबिल हो गया, वेदर्ट जो हॉर्नबिल हो गया ठीक है, ये यहां पर हो गया नकारडोम तो हॉर्नबिल हो गया यहाँ पर ठीक है, ओरिएंट पाइप हॉर्नबिल हो गया, मालाबार ग्रे बेसिकली हॉर्नबिल हो गया, तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हो गया ठीक है। तो यहां पर ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, तो रटनी तो नहीं है कम से कम, पर हाँ एक आइडिया रखेगा। कई सारी हॉर्नबिल की जो जाति है हमारे देश में पाई जाती है ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और कई सारी कम्युनिटी काफी लार्ज स्केल पर कनेक्ट भी होती है इनके साथ में, एथेनिकली और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे बात की जा रही है यहाँ पर नीसी, ये यहाँ पर नीसी जो कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की, ये इसके साथ में कल्चर के साथ में कनेक्ट है। नागालैंड में अगर आप लोग जाएंगे, नागास जो कम्युनिटी है हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। याद होगा एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी गए थे, तो उनको यहाँ पर स्ट्रक्चर बेसिकली पहनाई गई थी पूरी हॉर्नबिल वाली। तो हॉर्नबिल जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी कल्चर के पॉइंट ऑफ से, पर लेकिन सारी चीजें देखने में अच्छी नहीं होती हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई सारी दिक्कतें भी निकल कर आती है। जैसे हॉर्नबिल है यहाँ पर ठीक है, तो उसको काफी ज्यादा शिकार किया जाता है, तो जो उनका ऊपर का जो बेसिकली होता है उनका हेलमेट बोल सकते हैं ठीक है, ऊपर के जो उनके ब्रीक पंख वगैरह होते हैं फेदर वगैरह, उनको कई बार यूज किया जाता है अलग अलग चीजों की वजह से, मीट के लिए और मेडिसिन के लिए भी इनको यूज किया जाता है, तो इसलिए इनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो इसकी वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है।
तो कई सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली हॉर्नबिल जो है उनकी संख्या रिड्यूस होती जा रही है। इलीगल लॉगिंग कटिंग जो पेड़ होते हैं, इनके पेड़ों को अगर काट देंगे जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं और एक फायदेमंद रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वहां पर दिक्कतें क्या होगी, पेड़ कट गए तो उस एरिया में वैसे ही इनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसके चलते भी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो हॉर्नबिल जो है ये काफी दिक्कत में यहाँ पर पड़ जाता है। तो ये सारी बातें मैंने हॉर्नबिल के बारे में बताई। अभी नाम धप्पन एसर पाक के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अगर आप लोग म्यांमार को देखेंगे तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। यहां पर हो गया मिजोरम, यहां पर हो गया मणिपुर, यहां पर हो गया नागालैंड और यहां पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, तो इस तरीके से अगर आप लोग समझिए तो यहां पर इन चारों राज्य में से एक राज्य है यहां पर जहां पर नाम धप्पन नेशनल पार्क है और वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अभी समझते हैं इसके बारे में। यहां से क्वेश्चन बन भी चुके हैं पहले और आगे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है जो भी यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो नाम धप्पन नेशनल पार्क जो है इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1983 में। ये सेम ईयर इसको टाइगर रिजर्व भी यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया। टाइगर रिजर्व क्यों डिक्लेयर किया गया, क्योंकि अगर बात करेंगे यहां पर वर्ल्ड में इकलौता ऐसा पार्क है जहां पर चारों स्पीशीज पाई जाती है बिग कैट की। बिग कैट मतलब टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। तो अकेला है वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अकेला है, ऐसे समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो नाम धप्पा नेशनल पार्क है यहां पर, ये अगर बात करूं तो इंडिया और म्यांमार के बीच में आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में बेसिकली देखने को मिलेगा। ये पूरा एक टॉपिक है कि नेशनल पार्क कवर कर रहा हूं मैं आप लोगों को, यहां पर पूरा एक टॉपिक हो गया नेशनल पार्क का अलग से। यहां पर ये कि नाम धप्पा नेशनल पार्क एक टॉपिक पूरा अलग से मैं हेडिंग बनाकर डाल देता हूं इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वैसे टाइमलाइन में जब डालूंगा तो अलग से डाल दूंगा ताकि कभी आप लोगों को सर्च करना हो तो आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो नाम धप्पा नेशनल पार्क हो गया यहां पर। तो नाम धप्पा नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में आप लोगों को बेसिकली इसके बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। पटकई हिल ये एरिया है यहां पर जो कि सदर्न और साउथ ईस्ट में है और हिमालयन रीजन इसके नॉर्थ में देखने को मिलेगा, इसके बीच में है यहां पर ये। और नाम धप्पा क्या है, बेसिकली एक नदी है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये कि यहां पर एक तरीके से ये इससे कनेक्टेड है यहां पर किससे, ये है नाओ दियांग रिवर। और ये नाओ जो दियांग रिवर है यहां पर, ये या नोवा दियांग आप लोग बोल सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहां पर जिसके साथ में नेशनल पार्क कनेक्टेड है। इसी के साथ में अगर बात करें तो सब ट्रॉपिकल आप लोगों को क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में से इक्वेटर होती है, तो उसके आसपास वाला जो रीजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के, तो उसको सब ट्रॉपिकल रीजन बोल देते हैं। तो वहां का एक माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके आसपास में मैंने आप लोगों को बताया अभी यहां पर एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसी के साथ में यहां पर ये बिग कैट तो पाई जाती है, बाकी कई सारी और भी स्पीशीज पाई जाती है जैसे कि असमीज मकाऊ हो गया, ठीक है, पिग टोल मकाऊ हो गया, बंदर नहीं होते एक तरीके से, स्टैम्प टोल मकाऊ हो गया, ठीक है। इसी के साथ में हुकलूम गिबन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ओनली ऐप जो है कि इंडिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में एलिफेंट, ब्लैक बियर, ठीक है, इंडियन बेसन, ये सारे कई सारे जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बर्ड की स्पीसीज भी कई सारी पाई जाती है यहां पर, ये रटनी नहीं है बेसिकली, ठीक है। 9 out of 5 है यहां पर ये हॉर्नबिल इंक्लूडेड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो यहां पर है ये नाम धप्पा नेशनल पार्क। तो पूरा एक प्रॉपर टॉपिक होता है आप लोगों का बेसिकली नेशनल पार्क का, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये बेसिकली न्यूज निकल कर आ रही है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया में उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहां पर बेसिकली इसके बारे में हम लोग समझेंगे और क्यों न्यूज में उसके बारे में जानेंगे। इसको बोलते हैं बेसिकली डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में इसलिए न्यूज में क्योंकि कई सारे लोगों को, लगभग 420 परिवारों को वहां से रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है, उस एरिया में पर्टिकुलर, ठीक है। तो रिलोकेट करने की बात की जा रही है। रीजन ये है, ये बोला जा रहा है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, यानी कई बार जीव जंतु आते हैं वहां पर, इतने कोई शेर आ गया, निकल कुछ और आ गया, ठीक है, कोई और जानवर आ गया, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, तो इसलिए डिस्प्लेस करने की बात यहां पर की गई है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो यहां पर ये डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आप लोगों को उड़ीसा जो कि हीराकुंड डैम जो कि महानदी के ऊपर है वहां पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा हीराकुंड रिजर्वायर है, ठीक है। 1985 में यहां पर डिक्लेयर किया गया था इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट एरिया है उड़ीसा के अंदर में। और यहां पर बेसिकली जो पेड़ पौधे होते हैं वो ड्राई डेसिडियस यानी पतझड़ वाले पेड़ होते हैं जो गर जो सर्दियों में आते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं वो वाले। और फ्यूना में बात करें तो यहां पर फोर हॉर्न जो एंटेलोप बेसिकली जो हिरन पाया जाता है और इंडियन लेपर्ड देखने को मिलेगा, इंडियन एलिफेंट, सांप एक तरीके से सांबर, ठीक है, चित्तल, गोर, ये कई सारे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। फ्लोरा और फ्यूना याद रखिएगा, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, और फ्यूना का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको कनेक्ट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है यहाँ पर, यही आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बात करें उड़ीसा के अंदर में। तो अगर उड़ीसा से आप लोग आते हैं निकलकर तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है बेसिकली। उड़ीसा को आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया उड़ीसा जो कि वेव बंगाल की साइड में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, तो यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमली नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क आप लोगों को उड़ीसा में ही देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चिल्का ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको नालाबन आइलैंड के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के साथ में बैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के साथ में कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के साथ में नंदाकनन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के साथ में लखेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के साथ में यह गरी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हो सकता है किसी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो, उसको मैनेज कर लेना। बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर बात करूं तो लोकेशन मैंने अभी आप लोगों को बताई, तो भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर हो गया, ये सारी चिल्का वगैरह ये भी एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन होगी, और थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये है पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क और सेंचुरी उड़ीसा के अंदर, एक पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर अगर बात करूं तो, ठीक है। अब कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें, तो बेसिकली जो आप लोगों को लोकल एरिया में अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि डांस के बारे में पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से डांस जो है यहाँ पर ये बांदा उत्कल झांसी आप लोगों को उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। मैमल जो हो गया यहाँ पर स्टेट का, सांबर हो गया, बड़ ये आप लोग देख लेना, ठीक है, हल्का सा इसके बारे में। ऐसा स्टेट के अंदर से अगर आप लोग आते हैं उड़ीसा के, तो ऐसी ऐसी चीजें कई बार स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ ली जाती है आप लोगों से, ठीक है। तो एक मोटा सा आइडिया अगर रहेगा तो आप लोग बेसिकली समझ पाएंगे नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर और भुवनेश्वर कैपिटल, ठीक है। और इसी के साथ में गणेशी लाल यहाँ पर आजकल में गवर्नर है, ठीक है। चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो अगर स्टेट से आते हैं तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है G7 ग्रुप के बारे में। G7 में कौन कौन आता है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो G7 कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी और हमारी कंट्री भी उसमें एज ए गेस्ट के तौर पर गया था, ठीक है। तो ये 47th G7 की मीटिंग हुई थी। तो ये कहां पर हुई थी? ये मैंने बताया था यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। तो उस G7 कंट्री में यहां पर कुछ बातें की गई, और उस बातों में बातें की गई कि डिजिटल जो डेटा होता है, क्रॉस बॉर्डर डेटा जाए तो उसके ऊपर रोक नहीं लगानी है, ताकि और ज्यादा लेवल पर डेटा के साथ में लोगों को कनेक्ट किया जा सके और कंट्री को कनेक्ट किया जा सके। यानी कि जो देश के बॉर्डर है वो डिजिटल डिवाइड न करें, ये बोलने की बात की गई। जो डील थी वो फर्स्ट स्टेप थी रिड्यूस करने के लिए ट्रेड बैरियर, यानी कि जो भी आप लोग एक तरह से बैरियर लगाते हो उसको रोकने की बात की जा रही थी डिजिटल ट्रेड के फील्ड में। तो जो मिडिल ग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो ये रेगुलेटेड है यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। अगर बात करें तो यूरोपियन जो कंट्री है तो अप्रोच करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ओर एक तरीके से। तो यहाँ पर जो डील है ये इस तरीके से फायदा देखने को मिलता है रेगुलेट करने की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कंट्री है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी ही सारी डिजिटल कंपनी है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फिर ये एक तरीके से जो इंस्टाग्राम हो गया, ये टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो जिन जिन कंट्री के आप लोगों को ऐप देखने को मिलते हैं वो कंट्री यहाँ पर ये चाहती है कि डेटा जो है वो क्रॉस बाउंड्री जा सके, क्योंकि उनसे उसको फायदा होता है, उसको एनालाइज कर पाते हैं वहां पर अगर स्टोर करेंगे तो। उनके लिए अलग से फैसिलिटी उनको बनानी पड़ेगी स्टोर करने के लिए। तो ये रहता है, तो इसलिए चाहते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से देखने को मिले। तो इसके चलते प्राइवेसी वाला इशू आता है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन वाला इशू आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला इशू आता है, सिक्योरिटी वाला इशू आता है, तो बहुत सारे इशू आते हैं। तो जिस देश का डेटा जा रहा है उसको वैसे दिक्कत रहती है कि यार पता चला हमारे जो भी यहाँ पर जो भी हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनके सबके डेटा जो है, मान लीजिए आप लोगों ने कुछ ऑनलाइन खरीदा, आप लोगों ने ATM कार्ड वहां पर बेसिकली उसका नंबर सेव कर दिया, सब कुछ पता चला, उस कंपनी का डेटा कल को चोरी हो गया, आप लोगों के ATM कार्ड का नंबर गया, पता चला आप लोगों का पैसा वहां से उड़ गया सारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि आज की डेट में OTP आता है वो एक अलग बात है, पर लेकिन कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर आज की डेट में भी लिबरल चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसके चलते जो ग्लोबल जो एलीट ग्रुप है जो G7, वो चाहते हैं कि यहां पर आज की डेट में ये जो एक तरीके से डिजिटल ट्रेड है वो कंटिन्यू रह सके, तो लिबरलाइज करने की बात की जा रही है डिजिटल ट्रेड की इनके द्वारा। तो इसके चलते इनके ऊपर मुद्दे पर बात की गई। G7 जो यहां पर ट्रेड, G7 जो डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल है, इसमें ओपन डिजिटल मार्केट के बारे में बात की गई, ठीक है। तो डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन और इन सब के बारे में, ट्रांसपोर्ट फेयर एक्सेसिबल सबको होनी चाहिए ताकि अच्छे से मिलकर काम कर सके। क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के बारे में बात की गई, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे राज्य में आराम से डेटा जा सके। सेफगार्ड फॉर द वर्कर, कंज्यूमर और जो बिजनेसमैन है, सबके सेफगार्ड के बारे में बात की। तो देखते हैं कैसे सबका सेफगार्ड हो पाता है। डिजिटल ट्रेडिंग के बारे में बात की एक तरीके से, कि एक तरीके से ट्रेड रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है अगर आज की डेट में ऑनलाइन ऑलरेडी डिजिटल तरीके से उनको यूज किया जा सके तो अच्छा रहेगा। फेयर और इंक्लूसिव जो यहां पर ग्लोबल गवर्नेंस, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें रोल प्ले करता है। तो यहां पर जो बेसिकली
ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है यहाँ पर, खासकर जो डेवलप कंट्री होती है, ठीक है। तो डेवलप जो इकोनॉमी है बोल जा रहा है कि एज वेल एज राइट टू रेगुलेट द लेजिटिमेट पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं श्याम दाम दंड भेद लगाकर इनका ये टारगेट है कि आज की डेट में जो डेटा है वो यहां पर इनके पास में आ जाए, फिर ये उसको अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये इतना प्रेशर बना रहे हैं। पर लेकिन आप लोगों को पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, वो है चाइना की। दूसरे नंबर पर किसकी है, वो है इंडिया की, यानी कि हमारे देश की। तो इसलिए हमारा डेटा जो है अगर सारा बाहर जाता है तो कल को कोई और फायदा उठाता हुआ नजर आता है। तो G7 कंट्री के द्वारा यहां पर अभी बोला गया कंसर्न डेटा लोकलाइजेशन के बारे में, यानी कि हम लोग ये बोलते हैं कि अगर कल को व्हाट्सएप जो है वो पेमेंट सिस्टम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से कोई भी अगर बाहर का कोई ऐप है वो पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो पेमेंट से रिलेटेड डेटा कम से कम हमारे देश में उसका स्टोर होना चाहिए। तो इसको कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन की बात। तो इंडिया ने यहां पर अभी इसी मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा बात की। इंडिया जो है वो लगभग 90% जो यहां पर UNESCAP ग्लोबल सर्वे और डिजिटल सस्टेनेबल जो ट्रेड फैसिलिटेशन है इसके तहत हमारी जो बेसिकली अभी देखने को मिली स्कोर 90 के करीब है। तो इंडिया जो है यहां पर 35 बिलियन के करीब, अगर आप लोग बात करें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डिजिटल जो ट्रेड के बारे में, तो इंडियन इकोनॉमी में लगभग 35 बिलियन के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कल को चलकर अगर सारा डेटा बाहर जाता है तो दिक्कतें देखने को मिलती है। और डिजिटल ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये किसी भी फॉर्म में अगर आप लोग गुड्स और सर्विस जो है वो एक तरीके से यहां पर ट्रेड डिफाइन कहते हैं कि आइदर इनेबल करते हैं या डिलीवर करते हैं, ठीक है। यहां पर शामिल करके चलते हैं, इवन जो टीवी चैनल भी आप लोग चलाते हैं ना, तो डिजिटल फॉर्म में आप लोगों के पास में वो चीजें पहुंचती हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसने बोल दिया अभी जो भी पेमेंट नेटवर्क है वो लोकलाइज करेंगे डेटा को, उसने ये बड़ी ही शिद्दत से हिदायत दी है। और इसी के चलते हमारे देश में एक अभी रिसेंटली पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ये पास हो जाएगा तो हमारे पास में एक एक्ट होगा। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ही निकल के आती है बार बार, हम लोग क्या करते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का लॉ तो है हमारे देश में, मतलब बिल तो है पर लेकिन पास नहीं किया गया। तो कई सारे अभी कंपनी है, जैसे अभी व्हाट्सएप भी कुछ दिनों पहले बोला था कि आप लोग यहाँ पर कोई लॉ तो है नहीं है डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, बताइए जरा उसका क्या नाम है, बताया भी था मैंने कई बार आप लोग, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यूरोपियन यूनियन के अंदर किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश के अंदर है नहीं तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एज पर द बिल के बारे में बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया था कैटेगरी प्रोविजन यहां पर पर्सनल डेटा के बारे में, तो क्रिटिकल पर्सनल डेटा यहां पर जो है बेसिकली उसको सर्व करने की बात की जा रही है, तो इंडिया के अंदर ही लोकेशन होनी चाहिए। तो जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा कमेटी के द्वारा भी ये बातें बोली गई थी। तो अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये बनता है, ओसाका ट्रैक देखने को मिला, ओसाका ट्रैक G20 के द्वारा यहां पर देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने साइन करने से मना कर दिया। उसमें ये बोले थे क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो अनिवार्य यहां पर है, ठीक है। ओसाका जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो जापान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर इसकी चार आइलैंड है, एक को बोलते हैं होकाकाइडो, दूसरे को बोलते हैं होनसू, तीसरे को बोलते हैं यहां पर सिकाकू, ठीक है, चौथे को बोलते हैं क्यूनसू, ठीक है। तो यहां पर जो ओसाका आप लोग को देखने को मिलेगा यह है ओसाका, ठीक है। तो ओसाका कहां पर है, ये होनसू वाला जो आइलैंड है इसमें आप लोग को ओसाका देखने को मिलेगा। अच्छी के बारे में बात की थी, अच्छे डिक्लेरेशन, ठीक है, कब से कब तक थे बताइए अच्छे डिक्लेरेशन, याद आ रहा आप लोगों को, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। उसके बाद में चाइना का नाम था डिक्लेरेशन में, वो क्या था वो पता है, ये सारी चीजें रिवाइज करते रहो वरना पढ़ते सब कुछ रहोगे और भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि PDF में को नजर डाल लिया करो, और जब क्वेश्चन पूछता हूँ अगर उसके आंसर नहीं बता पाते हो तो जल्दी जल्दी से लेक्चर को रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। कहीं घूमने जा रहे हो, खाना खाने बैठ गए, आधे घंटे में पूरा लेक्चर फिर से रिपीट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अभी आप लोग पेपर देने गए थे, जिस दिन सुबह मॉर्निंग में लेक्चर अपलोड किया था हिंदू का, उसमें से क्वेश्चन बन गए आप लोग, ठीक है। तो इसलिए हमेशा लापरवाही मत बरतिए, थोड़ा सा आप लोग सीरियस रहिए, कम से कम तब तक सीरियस इतना रहिए जब तक एग्जाम नहीं निकल जाता है। उसके बाद में आप लोग कितना सीरियस रहना है वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, इतना टाइम मिलेगा, पर तब तक तो पूरा सीरियस रहना है, इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या देखे इसके अंदर, G7 कंट्री कौन सी है, G8 बोल दे तो रसे भी आ जाता है इसके अंदर में, बाकी ये सारी कंट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए। अर्जेंटीना यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ कोरिया और तुर्की। G20 के बारे में क्वेश्चन UPSC के द्वारा एक बार पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आगे चलकर G7 के बारे में पूछ ले या फिर कोई और ग्रुप के बारे में पूछ ले, तो मोटा मोटा सा आइडिया कम से कम होना चाहिए कि पहचान तो सको कि यार कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी मैंने देखा क्या क्या चीजें यहाँ पर, तो डिटेल में बात है कि इसी के साथ में इंपॉर्टेंट जो है ये ओसाका ट्रैक जरूर याद रखिएगा, बीएन श्रीकृष्णा कमेटी है जिसके चलते डेटा प्रोटेक्शन बिल है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है यार, कई बार क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं और आगे भी बनते रहेंगे, पर लेकिन अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग पहले भी गलत करते आए हो, अब भी गलत करते रहोगे। तो इनसे बचिए, थोड़ा सा एक प्रोटेक्टिव वे में अपने आपको लेकर चलना है, तो ठीक है आगे चलते हैं। ये है यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एक जलवायु परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी, तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर इसके द्वारा बोला गया है कि एक तरीके से
कि आज की डेट में अगर बात करें अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट द ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज नॉट ग्रोइंग एज फास्टर एज जो डिमांड है यहाँ पर फूड की, और एक तरीके से क्लाइमेट जो इंपैक्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि एग्रीकल्चर की जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है पर लेकिन जमीन तो इतनी की इतनी है ना, वो भी बढ़नी चाहिए थी, पर जमीन लैंड तो उतनी की उतनी फिक्स है वो नहीं बढ़ रही है। तो जितनी लैंड है तो उसी में हम लोग काम करना पड़ेगा। यानी कि आप लोग ये बोलिए कि आप लोग का एग्जाम जो है वो 6 महीने बाद है, ठीक है। आप लोग बोले यार सिलेबस तो कवर करना है यहाँ पर, अभी टाइम देखना पड़ेगा। कुछ बोलेंगे अभी टाइम पड़ा है सिलेबस कर लेंगे, बच गए 2 महीने। अगर आप लोग के हाथ पैर फूलने लगेंगे तो आप लोग परेशान होने लगोगे कि यार 2 महीने बच गए, कैसे ऑप्शन तैयार करें, कैसे एथिक्स तैयार करें, यार क्या हो गया, तो सारी चीजें बची हैं। तो उस टाइम पर आप लोग को बैलेंस बनाना पड़ेगा कि टाइम तो 2 महीने ही रहने वाला है, बढ़ना तो है नहीं। अगर आप पहले 8 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आप लोगों ने 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि आप लोग जो है 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, पता चला 12 की जगह 16 घंटे पर आप लोग आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइम उतना ही है, आप लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो रिपोर्ट है यहां पर ये रिलीज की गई है वर्ल्ड फूड प्राइस जो फाउंडेशन है उसके द्वारा एनुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि ये ग्रो कर रही है एनुअली 1.3 2020 से लेकर यहाँ पर 2019 में अगर बात करें तो ये बढ़ रही है। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है इसके द्वारा बोला गया कि एनुअल टारगेट जो है वो 1.73% ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो और फायदा देखने को मिलेगा। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली क्लाइमेट से, वेदर इवेंट जो भी रहते हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो रहती है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, इन्वेस्टमेंट कैसा है, और यहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट कैसा है। तो 2 टर्म्स नॉर्मली यूज की जाती है, एक तो बोलते हैं यील्ड यानी कि कितनी पैदावार हो रही है, और एक बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि हम लोग को यील्ड के कंपेयर में यानी कि जो हमारी पैदावार है उसके कंपेयर में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पर फोकस देकर चलना चाहिए, यह बोला जा रहा है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या आप लोग अगर देखकर चले यहां पर, ठीक है, तो नॉर्मली बोला जाता है कि एक तरीके से एग्जांपल के तौर पर कि अगर मान लीजिए क्रॉप हार्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं 1 हेक्टेयर के अंदर में लैंड के अंदर में, तो यील्ड जो है मान लीजिए थ्रू आउट द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। बट अगर बात करें ये आल्सो इंक्रीज होती है अप्लाइंग द इनपुट, अगर आप लोगों ने ज्यादा लगा दिया, ठीक है, इंटेंसिफाई क्रॉप आप लोगों ने लगा दी उसी खेत में, ठीक है, तो मे और मे नॉट भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंप्रूवमेंट और सस्टेनेबिलिटी यहां पर, क्योंकि आप खेत के बारे में बेसिकली बात करें पैदावार कितनी है। पर लेकिन जब टोटल प्रोडक्टिविटी फैक्टर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, आप लोग क्लाइमेट के बारे में बात करें, वेदर इवेंट के बारे में, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, तो सबके बारे में बात करें सारा इन्फ्लुएंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनपुट से लेकर सारी चीजें आप लोग यहां पर आ जाती है। तो सारी चीजें जब यहां पर देखने को मिलेगी तो ये ज्यादा बेटर इंडिकेटर यहां पर माना जा रहा है एज कंपेयर टू जो यील्ड यानी कि पैदावार हो रही है उसके कंपेयर में। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया क्या बोला, तो इसको फोकस करने की बात यहां पर की जा रही है। अभी अगर बात करें काफी सिग्निफिकेंस डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफरेंट रीजन में, जैसे कि जो सूखा रीजन है खासकर अफ्रीका और लेटिन अमेरिका का, जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली घास फूस भी नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे भी दूर दूर तक नहीं है, उन रीजन में काफी लार्ज स्केल पर अगर बात करें क्लाइमेट चेंज जो है वो स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है एज पर द 34% आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि काफी स्लो है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, ठीक है। हाई इनकम जो कंट्रीज है वहां पर मॉडरेट है, मिडिल इनकम जो कंट्रीज में इंडिया भी आता है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग टोटल जो प्रोडक्टिविटी फैक्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये अच्छा है, यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यहां पर अच्छा है एज कंपेयर टू अगर अमीर कंट्री के बारे में बात करूं। लो इनकम कंट्री है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 0.3 पर ईयर के परसेंट से, तो यानी कि सबसे ज्यादा मिडिल इनकम कंट्री है, तो यानी कि ना तो हाई इनकम ना लो इनकम, मिडिल इनकम कंट्री फायदा उठा रही है। तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। 36% वर्ल्ड लैंड जो है वहां पर एग्रीकल्चर होती है, यानी कि टोटल जो दुनिया में जो जमीन है उसमें 36% जमीन पर आज के डेट में आप लोगों को एग्रीकल्चर देखने को मिलेगी। 2 ट्रिलियन जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, 4 ट्रिलियन डेथ हो रही है, अगर डेथ हो रही है अगर बात करें जो यहां पर अगर डाइट रिलेटेड डिजीज के बारे में आप लोग बात करें तो 4 मिलियन डेथ और 2 ट्रिलियन इकोनॉमिक लॉस, तो ये दिक्कत है। 90% जो अर्थ है सोयल वो बोला जा रहा है कि डिग्रेडेड हो जाएगी आने वाले टाइम में 2050 तक का, जिस लेवल पर हम लोग पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन वाटर का हो, चाहे वो पॉल्यूशन जमीन का हो, चाहे पॉल्यूशन एयर का हो, जितने लेवल पर हम लोग उसके अंदर बेसिकली जो खाद वगैरह डाल रहे हैं उसके बारे में आप लोग बात कर लो, तो 90% प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करने की बात की जा रही है। 37% मीथेन एमिशन जो है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस से होगा, और आप लोगों को पता है मीथेन के बारे में मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको अगर आप लोग कंपेयर करेंगे मीथेन के एमिशन से तो मेथेन का जो एमिशन रहता है वो 80% ज्यादा इंपैक्टफुल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 40% जो इरिगेशन वाटर के बारे में बात की जा रही है लॉस ड्यू टू इनफिशियंसी, अगर इरिगेशन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर इरिगेशन अगर ढंग का नहीं है तो इसकी वजह से जो वाटर है वो काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से और ज्यादा सूखे की कंडीशन यहां पर बढ़ती है और दिक्कतें देखने को मिलती है इसके आने वाले टाइम में।
दिक्कतें तो हैं, अब सॉल्यूशन भी बताओ थोड़ा। तो सॉल्यूशन है यहाँ पर कुछ कई सारे स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो किसानों को सोयल हेल्थ के बारे में पता चल सके और किसान जो है उस तरीके से यहाँ पर बेसिकली उसके अंदर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो डालें जितनी उसकी सोयल की रिक्वायरमेंट है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसके चलते नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अगर बात करें तो हर खेत को पानी के बारे में बात की गई यहाँ पर, ये इसका मोटो भी रखा गया। तो यहाँ पर पानी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए ताकि सबको पानी मिल सके। तो ये कुछ स्कीम भी है गवर्नमेंट की जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पर स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर, बेसिकली डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में क्या है यहाँ पर, एक तरीके से टोटल जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी इसके बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो डिटेल में बता दिया दोनों के अंदर डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को। इसी के साथ में अगर बात करें तो सिचुएशन कौन कौन से रीजन में क्या क्या देखने को मिल रही है, इसी के साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ पर इंडिया की स्कीम होगी, ठीक है। तो अलग अलग ये टॉपिक भी आप लोग निकालने बैठ जाएंगे तो चार टॉपिक निकल जाएंगे इसमें से छोटे छोटे अगर निकालोगे तो, इसलिए यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को बेसिकली पढ़ाना इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाए और टॉपिक चारों तरफ से आप लोगों का कवर हो जाए, ओके। एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पर कवर करते हैं, ये है भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। तो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं, तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है फेवरेट है, यहाँ पर फेमस है मैंग्रोव के लिए, ठीक है, जो दलदली वन होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड के लिए, टर्टल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस्टूरियन जो क्रोकोडाइल होते हैं उनके लिए, और काउंटलेस क्रीक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 70% के करीब कंट्री की जो इस्टूरियन और जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, यानी कि देश में 70% के जो मगरमच्छ आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो यहाँ से निकल कर आते हैं, ठीक है। तो उनके कंजर्वेशन के लिए भी बात की जाती है उड़ीसा में 1975 में कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो वेटलैंड जो होते हैं वो 3 प्रोटेक्टेड एरिया है बेसिकली, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसी के साथ में गिरिमाथा जो मैरीन सेंचुरी है। तो ये कई बार न्यूज में आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। तो इस्टूरियन जो यहाँ पर बेसिकली ब्रह्मिनी, जिसको आप लोग भितर जो एक तरीके से भितरानी, एक तरीके से धर्मा और महानदी, तो ये आप लोगों को इस्टूरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी रिवर की। तो एग्जैक्ट लोकेशन उड़ीसा के अंदर मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो उसके बारे में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कभी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग चीजों को क्लियरली माइंड में रख पाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो अभी आप लोगों से क्या करूंगा, अभी आप लोगों को रिव्यू दूंगा, इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आज का क्विज है वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आप लोग कल का क्विज है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और एक रिव्यू भी हो जाएगा। रिवीजन रिव्यू से फायदा क्या होता है, लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाते हैं। और फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो को, जरा सी देर लगेगी, एक सेकंड लगेगी, आप लोग लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो वीडियो कैसी लगी है, इससे मुझे पता चलता रहता है कि वीडियो कैसी जा रही है, ठीक है। तो 5-6 घंटे की जो मेहनत होती है उसको आप लोग 5-6 सेकंड में आप लोग बेसिकली फीडबैक दे सकते हो और 10 में से मार्क्स भी आप लोग देकर बता सकते हो लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताना और अपना टारगेट जरूर लिखा करो, जो भी आप लोगों का टारगेट है डेली जो आप लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो काफी डिटेल में हम लोगों ने चीजें डिस्कस की, आप लोगों से देखा पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के बारे में बातें की, इसके साथ में फिर हम लोगों ने इंडियन रेलवे को जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनका आंसर जरूर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के बन जाते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो भी डिस्कस किया और कौन कौन सा रेलवे का नेटवर्क क्या क्या है वो हम लोगों ने समझा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की एक पर्टिकुलर यहाँ पर बेसिकली हॉर्नबिल के बारे में समझा डिटेल में, इसी के साथ में सिम्बोटिक रिलेशन जो अलग से टॉपिक है इसके बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप लोगों से पूछ लें हॉर्नबिल की प्रजातियों के बारे में तो वो भी हम लोगों ने देख ली और एक पूरा नेशनल पार्क मैंने कवर किया नामधप्पा नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि याद रखिएगा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अकेला नेशनल पार्क जहाँ पर सारी बिग कैट पाई जाती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर जो उड़ीसा के बारे में हम लोगों ने समझा, तो डायरेक्ट मैप बेस्ड भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। G7 कंट्रीज के बारे में समझा डिटेल में, क्या क्या इशू है, क्या क्या रीजन है, कहां कहां पर काम करने की बात की जा रही है, काफी डिटेल में समझा। और एक पर्टिकुलर ये याद रखिएगा ओसाका ट्रैक के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, इवन कौन से आइलैंड पे पड़ता है ये मैंने आप लोगों को बताया, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की पर्टिकुलर ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, टोटल जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है वो समझा, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ईल्ड और ईस्ट के बारे में जाना, इसी के साथ में क्या सिचुएशन है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में वो हम लोगों ने समझी, और नेक्स्ट इसी के साथ में क्या क्या स्टेप हमारे देश में सही करने के लिए उठाए गए हैं वो हम लोगों ने जाने, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में एक भितरकनिका नेशनल पार्क और हम लोगों ने यहां पर समझा। अब आप लोगों के सामने यहां पर ये क्वेश्चन है जिनके आंसर देने, रिसेंटली इंडियन रेलवे के द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया कब तक का नेट जीरो करना है, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कब तक का करना है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एमिटर इंडिया है किस किसके बाद में, कौन सा कंट्री है जहां पर नेगेटिव एमिशन देखने को मिलता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है,
नामधप्पा नेशनल पार्क वो किस पर्टिकुलर राज्य में देखने को मिलेगा? नामधप्पा जो है यहाँ पर ये रिवर से निकल कर आता है, ये रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, ठीक है, तो न्यू दियांग। ओके, इसी के साथ में अगर बात करें वर्ल्ड में बात करें यहाँ पर, तो बिग कैट जो चार एक ही राज्य में पाई जाती है, तो ये पर्टिकुलर ये एक नेशनल पार्क है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर के ऊपर, हीराकुंड डैम के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कौन सा ट्रैक है जिसे बोला गया कि डिजिटल डेटा जो है हमारे ही देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, इसके बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं इनके, तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, कल इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। डैप के बारे में बात की थी, इसको क्या बोलते हैं, जिसमें 46 फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसा डैप में 46 फास्फोरस पाया जाता है, ऐसा ही यहां पर 46 नाइट्रोजन पाया जाता है एक और प्रोडक्ट में, किसानों के लिए काफी अच्छा होता है, इसका भी नाम पता होना चाहिए। फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स में कौन सी नई कंट्री एड की गई है वो बतानी थी। फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट को पहले क्या बोलते थे और ग्रे लिस्ट को क्या बोलते थे, ये आप लोगों को बताना है। बोट्सवाना और एक और कंट्री जो कि अभी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाली गई है वो कौन कौन सी, ये बताना था। फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स इंटरगवर्नमेंटल बॉडी G7 कंट्री के द्वारा बनाएगी, पर लेकिन कहां पर ये सबमिट हुई थी जहां से इसको निकाल कर लेकर आया गया 1989 में। इसमें 39 मेंबर हैं, तो दो ग्रुप भी हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन, दूसरा ग्रुप कौन सा है ये बताना है। राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो किस आर्टिकल से निकाला गया है, कौन सा आर्टिकल यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो ड्यूटी बताता है कि सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसी के साथ में ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो काफी प्यारे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बात करते हैं यहां पर डैप के बारे में, बात की थी हम लोगों ने, यहां पर इसको बोलते हैं बेसिकली डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट यूरिया में भी यहां पर 46 नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे 46 फास्फोरस डैप में पाया जाता है। जॉर्डन माली तुर्की अभी ऐड किया गया है यहां पर बेसिकली ग्रे लिस्ट में, और इसी के साथ में यहां पर बोट्सवाना और मॉरिशस को हटा दिया गया है। मैप भी मैंने दिखाया था, तो मैप में जरूर जाकर देखना। कोलो फोर एक्शन बोलते हैं यहां पर ब्लैक लिस्ट को, और दूसरा बेसिकली ग्रे लिस्ट में देखने को मिलेगा अदर मॉनिटरिंग ज्यूरिडिक्शन आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में पेरिस में यहां पर ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 1989 में G7 कंट्री के द्वारा चीज देखने को मिलती। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है यूरोपियन कमीशन के अंदर, तो 39 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 19 जो है ये बेसिकली राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात करता है, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच से निकालकर लाया जाता है, तो डायरेक्ट इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 51 में आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है, कौन सा संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, तो याद रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1975 से लेकर 77 के बीच में, जब इमरजेंसी लगी 76 में, ठीक है, तो वहां से इसको निकालकर लाया गया। ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 याद रखेगा, तो वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया था, इसके द्वारा बोला गया कि ग्लोबल लेवल पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से ये न्यूज में देखने को मिला। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यार, डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसी तरीके से ध्यान रखिए, यहां से जाकर पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने, यहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।